नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल एग्री अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शिमला मिर्च की खुले में खेती किस प्रकार से की जाए उसके संबंध में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि शिमला मिर्च की खेती पॉली हाउस में और खुले में दोनों तरह से की जाती है। शिमला मिर्च या कैप्सिकम के नाम से जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम कैप्सिकम एनम वराइटी ग्रोसम है और ये मिर्च सोलेनेसी परिवार का सदस्य है। इसमें 24 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इसको शिमला मिर्च क्यों कहते हैं। भारतवर्ष में इसका आगमन सबसे पहले शिमला में हुआ था और इसका पौधा सबसे पहले शिमला में उगाया था, इसलिए इसको शिमला मिर्च के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप में इसको सगिया मिर्च के नाम से जानते हैं। इसमें उगाए जाने वाले देशों में चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की, ये सब इस टेबल में दिखाए गए हैं और ये विदेश में बहुत लार्ज स्केल पर उगाई जाती है। और भारत में भी इसका खेती आजकल खुले में भी की जा रही है और पॉली हाउस के अंदर भी की जा रही है। हमारे यहाँ बंगलोर, बेलगांव, मैसूर, नीलगिरी पर्वत, पूना, रांची, दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली आदि राज्य हैं जहाँ पर इसकी खेती की जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा खेती हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब जिसमें की जाती है। रंगों के हिसाब से इसमें कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ के फल हरे होते हैं, कुछ प्रजातियों के फल लाल होते हैं, कुछ बैंगनी होते हैं, कुछ नारंगी, कुछ पीले होते हैं। तो जो रंगीन शिमला मिर्च है इसका बड़े बड़े होटलों में बहुत डिमांड है और वहाँ पर ये काफ़ी महंगी बिकती है। इसका उपयोग सलाद के रूप में कर सकते हैं, चटनी के रूप में कर सकते हैं और सब्जी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अचार इसका बनता है और पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं। पोषक तत्वों के लिहाज से शिमला मिर्च काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है। इसके अंदर ऊर्जा 22 कैलोरी और इसके अतिरिक्त प्रोटीन इसमें 1.2%, कार्बो 4% पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए, विटामिन B1, B2, नियासिन और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसकी मात्रा 128 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम खाने योग्य भाग में होती है। इसके अतिरिक्त इसमें खनिज तत्व कैल्शियम, फास्फोरस एवं लोह तत्व पाया जाता है और इसके साथ ही इसमें एक विटामिन रूटीन भी पाई जाती है, जो कि मनुष्य को बैक्टीरिया, फंगस और रेडियो एक्टिविटी से बचाती है। जलवायु के हिसाब से यह इसको लंबे एवं मध्यम गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। पाला रहित 120 से 135 दिन का अगर समय मिल जाता है तो इसकी फसल अच्छी होती है। रात का तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर बीज का अंकुरण नहीं होता है और 30 से अधिक होने पर उसके परागण सूख जाते हैं। तो इसलिए न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस से और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर मिलता है तो इसकी अच्छी पैदावार होती है। इसे सामान्य रूप है 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उत्तम पाया गया है और इसमें इसकी बढ़वार भी अच्छी होती है और फलत भी अच्छी होती है। और ये प्रकाश अवधि अगर इसको 9 से 10 घंटे की मिल जाती है तो ये अच्छी फसल दे देती है और ये शीतकालीन फसल है। इसकी खेती हम किसी भी प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन अच्छे जल निकास के साथ में दोमट या बलुई दोमट अगर भूमि है तो उसमें इसकी खेती अच्छी की जा सकती है और मटियार भूमि में भी इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन उस भूमि में अधिक समय तक पानी नहीं रुकना चाहिए और मटियार भूमि के सुधार के लिए उसमें गोबर की खाद डाल करके उसे आप ठीक कर लें और इसका भूमि का पीएच मान 6 से 6.8 के आसपास होना तो वो भूमि अच्छी होती है। मटियार भूमि का पीएच मान कम होता है इसलिए इसकी खेती अच्छी नहीं होती है। इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिसमें सामान्य प्रजातियां और संकर प्रजातियां इस टेबल में दिखाई गई हैं। कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी, अर्का बसंत, अर्का गौरव, DARL 70, ये सामान्य प्रजातियां हैं। और संकर प्रजाति में आपकी कटराइन से निकाली गई है पूसा दीप्ति, KT1, KT CPH 3, DARL 202, PRB 101, भारत वन और इंदिरा, ये दोनों प्राइवेट उसके हैं। इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी ने सबसे पहले भारत वन और शिमला मिर्च की और टमाटर की 2000 प्रजाति निकाली थी, जो काफ़ी फेमस हैं और लोग उसको बड़े स्केल पर पॉली हाउस के अंदर उगाते हैं। भारतवर्ष में सब्जी का क्षेत्रफल
इसमें टेबल में दिखाया गया है, इसमें 9336.06 2013-14 में क्षेत्रफल था, जो 15-16 में बढ़ करके 9576,000 हेक्टेयर हो गया है, और इस सब्जी की उत्पादकता 2013-14 में 70.3 थी, जो 15-16 में बढ़कर 70.4 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। इसी संदर्भ में शिमला मिर्च का क्षेत्रफल 2012-13 में 29.14 हजार हेक्टेयर था, जो 15-16 में बढ़कर 46.0 हजार हेक्टेयर हो गया है, और उत्पादन 153.35 हजार मीट्रिक टन, जो 2015-16 में 288 मीट्रिक टन था। उत्पादकता 2012-13 में 5.2 थी, जो 2015-16 में बढ़कर 6.2 टन प्रति हेक्टेयर है। इसमें बहुत सारी उन्नति प्रजातियाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, ये बहुत पुरानी वरायटी हैं, और ये बाहर से, येलो वंडर जापान की वरायटी है, कैलिफोर्निया वंडर अमेरिका की वरायटी है, जो इंट्रोडक्शन के द्वारा भारत में लाई गई, और सबसे पहले इसको IARA ने इंट्रोड्यूस किया, और आज देश में ये प्रचलित हैं। अर्का मोहिनी, अर्का बसंत, अर्का गौरव, ये तीनों प्रजातियाँ IARA बंगलौर से निकाली गई हैं। पूसा दीप्ति कटरा इनके द्वारा निकाली गई है। भारत शंकर वन, ये इंडो अमेरिकन हर्बिसाइड कंपनी की है। बीज बोने एवं रोपाई का समय, मैदानों में क्योंकि ये शरदकालीन फसल के रूप में उगाई जाती है, इसलिए बीज बोने का उत्तम समय इसका अगस्त का महीना है, और रोपाई का समय सितंबर है। मैदानी क्षेत्रों में बसंतकालीन फसल के रूप में दूसरी फसल ली जाती है, और इसके बीज की बुआई नवंबर से लेकर जनवरी तक कर सकते हैं, और इसकी रोपाई जनवरी से लेकर अंत फरवरी तक कर सकते हैं। जैसे जैसे इसको अगर देरी से बुवाई करेंगे तो इसकी फलत कम हो जाती है, क्योंकि उधर तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने पर इसकी पैदावार घट जाती है, फूल झड़ जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ये बसंतकालीन फसल के रूप में उगाई जाती है, इसे मार्च अप्रैल में बीज बोया जाता है, और अप्रैल मई में इसकी रोपाई की जाती है। घाटियों में इसे मैदानों की तरह से ही लगाया जाता है, अगस्त में बुवाई की जाती है, और सितंबर के महीने में पौधों की रोपाई की जाती है। तराई क्षेत्र में इसकी दो फसल लेते हैं, एक शरदकालीन फसल जिसकी जुलाई अगस्त में रोपा बीज को बोते हैं, और अगस्त से मध्य सितंबर तक इसकी रोपाई कर देते हैं, और दूसरी फसल बसंतकालीन फसल के रूप में ली जाती है, जिसकी बुआई नवंबर से दिसंबर के महीने में की जाती है, और रोपाई जनवरी अंत से लेकर फरवरी मध्य तक कर सकते हैं। बीज की मात्रा, क्योंकि इसका बीज काफ़ी बड़ा होता है, 800 से 1000 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, और संकर बीज जो हैं जिनको थोड़ा दूर लगाया जाता है, इसलिए इसमें 250 से 300 ग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। बीज उपचार करना बहुत आवश्यक है। बीज बोने से पहले यदि बीज का उपचार कवकनाशी दवा से कर लेते हैं, तो बाद में जो नर्सरी में बीमारियां लगती हैं उनसे बचाव हो जाता है। इसलिए बीज को बोने से पहले 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से थायराम अथवा कैप्टान दवा से उपचारित करें। इसके अतिरिक्त आप इसके लिए ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से लगाया जाता है, और इसको बीज को थोड़ा हल्का भिगोया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर ट्राइकोडर्मा डाल करके और उसे अच्छे ढंग से मिला करके और उसके बाद में बुवाई की जाती है। बीज का उपचार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक मिट्टी का छोटा घड़ा ले लें और उसमें बीज को डाल लें और बीज उसी में दवाई डाल दें, और उसके बाद फिर घड़े का मुँह पॉलीथीन से बांध करके उसे घड़ी की दिशा में, जिस तरह घड़ी चलती है उस तरह से जो कई बार घुमाते हैं, तो बीज के ऊपर थायराम की जो भी कवकनाशी दवा आपने मिला रखी है उसकी परत जम जाती है, और किसी टब या बाल्टी उसमें लेकर के अगर बीज लगाते हैं उसमें दवाई डालते हैं हाथ से, तो आधी दवाई हाथों में रह जाती है और बीज में ठीक तरह से उसका बीज का उपचार नहीं हो पाता है। तो इसलिए बीज उपचार करने के लिए आवश्यक है कि आप सावधानीपूर्वक इसका उपचार करें और उसके बाद बुवाई करें। ये दिखाया गया है कि पौधशाला में आप जब क्यारी बनाते हैं तो क्यारियाँ 1 मीटर चौड़ी, ज़मीन से 15 सेंटीमीटर ऊंची, और लंबाई आप अपनी आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं 5 से 10 मीटर, और दो क्यारियों के बीच में कम से कम 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए, जिससे ये नाली का भी काम करती है और अधिक वर्षा होने पर उसमें से पानी निकास का भी काम करती है, और साथ ही इस नाली में बैठ करके दोनों तरफ बैठ करके जो क्यारी आपकी बनी हुई है उसकी निराई गुड़ाई की जा सकती है, जिसमें पौध के अंदर काम करने वाले को घुसना नहीं पड़ता है,
ये दिखाया गया है कि कितना आप गोबर की खाद डालें इसमें, 2 से 2.5 किलो आप प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से गोबर की खाद क्यारी में डालनी चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छी विधि है कि यदि आप सौरीकरण की विधि अपना करके खेती करते हैं तो जो पौधशाला में बीमारी लगती है उससे बचाव हो जाता है। और सौरीकरण की विधि का मैंने पहले आपको बताया था कि इसको अप्रैल मई के महीने में किया जाता है, इसको 15 अप्रैल से लेकर के 30 मई तक क्यारी तैयार करके उसमें जैसे बीज बोया जाता है बोने के लिए तैयार करते हैं उस तरह से आप क्यारी को तैयार कर लें। और क्यारी तैयार करने के बाद उसे पॉलिथीन की चादर से पूरी तरह से ढक दें 1.5 महीने के लिए, और दिन में इसमें तापमान बढ़ता है और शाम को ठंडा होता है। तो इस तरह से दिन रात तापमान घटने बढ़ने की वजह से उसमें मंथन क्रिया होती है, इसके कारण उसके अंदर जितने भी फंगस के बैक्टीरिया या 1 वर्षीय खरपतवारों के बीज होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो सौरीकरण विधि बहुत ही आसान और सस्ती और सुलभ उपाय है, प्रत्येक किसान को इस विधि को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमने परीक्षण में पाया है कि यदि सौरीकरण के बाद आप लगाते हैं तो इसमें आप लगातार 4 फसल ले सकते हैं और उसमें किसी प्रकार की आर्द्र विकलन जो मुख्य बीमारी लगती है वो नहीं लगती है। ये सामने दिखाया गया बीज का उपचार करते हुए, इस तरह से बीज अगर उपचार करते हैं तो ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके हाथों में बहुत सारी दवाई लग चुकी है। तो आप इस तरह की विधि ना अपनाएं जो मैंने आपको घड़े वाला बताया है कि एक छोटा सा मटका या घड़ा ले लें उसमें बीज को डालें उसमें कवकनाशी दवा डालें और पॉलिथीन से बांध करके उसका उपचार करें और फिर उसकी बुआई कर दें। ये दिखाया गया है कि विभिन्न प्रकार के पॉलीथीन का प्रयोग अगर पौधशाला में हम करते हैं तो किस तरह का इस पर बीज के अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें पाया गया कि सफ़ेद पॉलीथीन यदि इसको लगाते हैं तो उसमें बीज का अंकुरण भी अच्छा होता है और पौधे की बढ़वाई भी अच्छी होती है। ये आपकी पौधशाला में बहुत तैयार हो चुकी है। एक पौधे तैयार करने का तरीका पॉटिंग प्लग भी है, क्योंकि ये संकर प्रजातियाँ काफ़ी महंगी होती हैं और इनके बीज काफ़ी महंगे कई कई हज़ार रुपये किलो मिलता है, 3,000 से 5,000 रुपये किलो तक। तो इसके पॉटिंग प्लग मिलते हैं छोटे छोटे, 1 भाग गोबर की खाद, 1 भाग बालू और 2 भाग मिट्टी मिला करके इसको मिक्सचर को बना लेते हैं और इसमें 2 से 3 ग्राम प्रति 10 किलो मिट्टी के हिसाब से कवकनाशी दवा और कीटनाशी दवा मिला लेते हैं और ये मिक्सचर तैयार करके इन ट्रेज में भर देते हैं पॉटिंग प्लग में, और उसके बाद प्रत्येक खाने में 1-1 बीज की बुआई करते हैं। तो इस प्रकार से आपके बीज की बचत भी होती है और बीज भी आपका सुरक्षित रहता है और पौध भी आपकी अच्छी उगती है और जल्दी तैयार हो जाती है। और इस पॉटिंग प्लग का फ़ायदा ये है कि आप मान लीजिए बाहर तापमान आपका जो है बहुत कम हो रहा है, बीज नहीं उग रहा है, तो आप इसको उठा करके पॉलिथीन हाउस के अंदर रख सकें, कमरे के अंदर रख सकते हैं और दिन में इसको खुली धूप में रख सकते हैं। तो ये उठा पोर्टेबल होती हैं, उठा करके ले आई जा सकती हैं। अब खाद की कितनी आवश्यकता होती है, ये एक अच्छी फसल लेने के लिए आवश्यक है। उसमें पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। इसमें 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से आप सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें और इसको पौध की रोपण से 20-25 दिन पहले खड़ी खेत में डाल करके इसकी मिट्टी में मिला दें और उसके बाद में खेत की जुताई करें। इसके अतिरिक्त इसमें पोषक तत्व 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से आधी नाइट्रोजन और संपूर्ण फास्फोरस पोटाश आप खेत की अंतिम जुताई के समय पर डाल देते हैं। और कहीं कहीं पर मित्रों ऐसा भी देखा गया है कि भूमि में जिंक और बोरॉन की कमी होती है, तो आप 8 से 10 किलोग्राम जिंक और 8 से 10 किलोग्राम बोरेक्स या बोरन की पूर्ति भी कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको नाइट्रोजन के बारे में कि आधी नाइट्रोजन, संपूर्ण फास्फोरस पोटाश खेत की अंतिम जुताई के समय पर और जिंक और बोरन इसके साथ मिला करके आप बेसलडेस के रूप में डाल दें। बची हुई नाइट्रोजन को 2 भागों में बांट लें, पहला भाग आप 30-35 दिन की अवस्था पर और चौथाई भाग जो बचा आपका उसको आप 50-55 दिन की अवस्था पर खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे सकते हैं। इसके बाद भी यदि आप देखते हैं कि आपकी फसल कमज़ोर हो रही है, पौधे ठीक से वृद्धि नहीं कर रहे हैं, तो आप 1.5% से लेकर 2% यूरिया का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। और ऐसा भी पाया गया कि यदि यूरिया का छिड़काव पुष्प आने पर किया जाए 2% का, तो उससे फूल अच्छे आते हैं और उसके बाद उसमें जो फल बनता है वो काफ़ी स्वस्थ और उसकी पैदावार 20-25% बढ़ जाती है। रोपाई की दूरी मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पर थोड़ी गर्मी रहती है वहाँ पर इसलिए इसकी दूरी कम रखी जाती है, 45 सेंटीमीटर दूर पर कतारें बनाती हैं और कतारों में 30 सेंटीमीटर दूर पर पौधे लगाते हैं। लेकिन तराई क्षेत्र में जहाँ पर थोड़ा सा नम वातावरण रहता है इसलिए 50 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बनाएँ और कतारों में 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही पौधे लगाएँ।
रोपाई के समय शरदकालीन फसल होने के नाते मैदानी क्षेत्रों में इसको सितंबर में रोपाई की जाती है और बसंतकालीन फसल की फरवरी में की जाती है। तराई क्षेत्र में शरदकालीन फसल की बुवाई रोपाई सितंबर के महीने में और बसंतकालीन फसल की फरवरी में की जाती है। निचले पहाड़ी क्षेत्रों में इसको अप्रैल में रोपाई करते हैं और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में मई में इसकी बुवाई करते हैं। सिंचाई, रोपाई के बाद एक सिंचाई देना बहुत आवश्यक है जिससे कि पौधे अच्छे से उसमें इस्टेब्लिश हो जाएँ और एक सप्ताह के अंदर जो मरे हुए पौधे हैं या सूख गए हैं उनके स्थान पर दूसरे पौधे आप बदल के लगा दीजिए। और इसमें टपक सिंचाई विधि यदि अपनाते हैं तो इससे काफ़ी अच्छा फायदा होता है। इसके अतिरिक्त यदि आप खेत में पॉलीथीन की मल्च डाल देते हैं, मल्च के रूप में पलवार के रूप में प्रयोग करते हैं तो उससे कई फायदे होते हैं। एक तो वो खरपतवारों को रोकती है, उनको बढ़ने नहीं देती, दूसरा उसमें नमी संचित रखती है और तीसरे उसमें गर्मी बनाए रखती है जिसके कारण फसल को मदद मिलती है और पौधे अच्छी वृद्धि करते हैं और उन पर फलत भी अच्छी होती है। खरपतवारों को नियंत्रण के लिए पाया गया खरपतवारों से आपने नहीं निकाले तो अब 20 से लेकर 80% तक की हानि हो जाती है। तो आपकी अगर छोटे स्केल पर आप खेती कर रहे हैं तो खुरपी या हैंडो की मदद से कर सकते हैं, लेकिन जब लार्ज स्केल में आप खेती कर रहे हैं तो लासो नामक एलाक्लोर कहते हैं इसको 2.5 किलोग्राम सक्रिय अवयव यानी कि ये 50% का होता है, तो 5 लीटर लासो आप 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके पौध लगाने से पहले आप छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद में पौध लगा दीजिए। फिर आपको 30-35 दिन की अवस्था तक कोई भी निराई गुड़ाई नहीं करनी है क्योंकि ये खरपतवार नाशी ज़मीन पर एक हल्की सी तह बना लेता है जो कि खरपतवार के बीजों को उगने नहीं देता। और उसके बाद फिर आप 40-45 दिन के बाद एक निराई गुड़ाई कर देते हैं तो इस तरह से आप खरपतवारों की रोकथाम कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मल्च के लिए आप एक कांस का भी प्रयोग कर सकते हैं, कांस गन्ने की सूखी पत्ती होती है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है तो जो खरपतवारों को भी रोकेगा और नमी को संचित रखेगा और मृदा का तापमान भी बना के रखेगा। इसलिए 4 से 6 इंच मोटा खेत में पलवार के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है फलों की उपज कुंटल प्रति, सामान्य प्रजातियों की 150 से 200 कुंटल फलों की उपज पैदा हो जाती है और संकर प्रजातियों की 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर। वैसे फसल की उपज आपके कृषक क्रियाओं पर निर्भर करते हैं, यदि आपने सभी कार्य सामान से किए हैं और सभी कार्य समय से किए गए हैं तो उनमें अच्छी फसल होगी और जितना आप देर करेंगे उतनी फलत कम हो जाती है। अब इनमें एक समस्या होती है फूल झड़ने की समस्या या फल जब बनने लगता है तो फूल अधिक संख्या में गिर जाते हैं। देखा होगा आपने कि मिर्च की जो ये मिर्च हुई और ये शिमला मिर्च हुई इसमें 4 तरह के फूल आते हैं, एक शॉर्ट स्टाइल के होते हैं, कि मीडियम स्टाइल होते हैं, लॉन्ग स्टाइल होते हैं, कि सीड और शॉर्ट स्टाइल होते हैं। तो अधिकांश जो फल बनते हैं वो मीडियम स्टाइल और शॉर्ट स्टाइल और लॉन्ग स्टाइल में ही बनते हैं। तो लॉन्ग स्टाइल वाले जो होते हैं उनको परागण की आवश्यकता पड़ती है यानी कि दूसरे पौधों से परागण की आवश्यकता है और ये कार्य आपकी मधुमक्खी या कीड़े उड़ते हैं वो सब इसमें करते हैं। लेकिन जो सीडो से और स्टाइल के फ्लावर होते हैं वो अधिकांशतः गिर जाते हैं और लोग समझते हैं कि ये उसकी वजह से, कभी कभी तापमान जब ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये 30 तक अच्छे फल देती है, 30 के बाद जब तापमान बढ़ता है तो अधिक तापमान के कारण फूल गिरना शुरू कर देते हैं क्योंकि परागण क्रिया ठीक से संपन्न नहीं होती है। तो इससे बचाव के लिए आवश्यक है आप प्लानोफिक्स बाजार में मिलती है 4.5 लीटर पानी में 2 से 4 ml मिलीलीटर दवा घोल करके छिड़काव कर देंगे तो आपको 20 से 40 ppm का घोल तैयार हो जाएगा। और इसके 2 छिड़काव किए जाते हैं, एक जब उसमें आपकी कलियां बनना शुरू कर जाती है फूलों की और एक फिर उसके 20 दिन बाद। कहने का मतलब कि 2 छिड़काव यदि आप कर देते हैं तो आपको ये फूलों की गिरने की समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा एक रसायन है NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, प्लानोफिक्स में भी NAA होता है, इसकी भी 20 से 40 ppm का घोल बना करके आप 2 छिड़काव कर देते हैं तो उसे आप फसल को बचा सकते हैं। 2,4-D का हमने लोगों ने प्रयोग किया है, इसकी 2 ppm यानी कि 2 mg प्रति लीटर पानी में 2,4-D जो सोडियम साल्ट बाजार में मिलता है 80% का उसका घोल बना लीजिए और उसको आप छिड़काव करें और 2 छिड़काव एक फूल आने पर एक उसके 20 दिन बाद करते हैं तो इसमें अच्छे परिणाम मिले हैं और उसमें फूल गिरना बंद हो जाता है और फल अच्छी होती है। एक रसायन और टेस्ट किया गया जिसको PP33 पैक्लोबिटाजॉल 100 से 300 ppm के यदि छिड़काव करते हैं
तो उससे भी फलत अच्छी होती है। और इसके भी दो छिड़काव, एक फूल आने पर और एक बाद की अवस्था में किया जाता है, तो इससे फलत अच्छी होती है। अब बात आती है फसल सुरक्षा की। तो फसल सुरक्षा की तो पहली बात तो खरपतवारों से मैंने आपको बताया, दूसरी है इसमें कौन कौन से कीड़े लगते हैं। तो इसमें माहू लगता है, सफ़ेद मक्खी लगती है, जैसी लगता है, कुतरा कीट लगता है, फल भी कीट लगता है। तो एफिड या माहू से बचाने के लिए आप रोगर बंद हो चुका है इसकी जगह पर मेटासिस्टाक यूज कर सकते हैं। ये मेटासिस्टाक नहीं मिलता है तो एफिडा क्लोरपीड मिलता है, उसका 0.1% का घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। और यदि ये भी नहीं मिलता है तो आप मेलाथियान दवा मिलती है, 0.1% का घोल बना कर उसका छिड़काव कर सकते हैं। एफिड और माहू एक ही चीज़ है, इनको नियंत्रण के लिए आप यदि कोई दवाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिंपली 2 से 3 ग्राम का ये साबुन का चूरा या सर्फ घोल करके उसका छिड़काव कर देते हैं, तो उससे भी माहू मर जाते हैं। सफ़ेद मक्खी बहुत ही हानिकारक है क्योंकि ये विषाणु को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाती है और ये पौधों का रस चूसती है। तो यदि इसको आप नहीं मारेंगे तो ये विषाणु फैलाएगी। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप इसमें मेटासिस्टाक या एमिडा क्लोरपीड 0.1% का घोल बना करके 10 से 15 दिन के अंदर पर छिड़काव करते हैं। और ये छिड़काव आपको नर्सरी स्टेज से ही करना पड़ेगा। और साथ ही आप जब खेत तैयार करते हैं तो उसमें फ्यूराडॉन दवा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से डाल देते हैं, तो इससे बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आपने 2,4-D का छिड़काव किया है तो उससे भी इसका प्रकोप कम होता है, क्योंकि 2,4-D छिड़कने से पौधे का जो भाग है ऊपर की त्वचा है वो सख्त हो जाती है और उसमें ये सफ़ेद मक्खी अपने माउथ पर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, और सख्त नहीं करेगी तो विषाणु को नहीं फैला पाएगी। अब बात आती है कुतरा कीट की। तो कुतरा कीट जो है लगता है ये जब पौधे छोटे होते हैं उस समय ये काटता है और उस समय पौधों को काट करके नष्ट कर देता है जमीन धरातल से। तो इससे बचने के लिए या तो आप सेविंग दवा का 0.2% का घोल का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप खेत में थीमेट डालें या फ्यूराडॉन दवा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें जिस समय आपने खाद डालें रोपाई से पूर्व, तो इससे बचाया जा सकता है। बाद में अगर लगता है तो सेविन है, क्लिक्स कार्बोरल है, इसका 0.2% का चूर्ण का छिड़काव कर सकते हैं। अब आती है फल भेदक कीट। लोग सोचते हैं कि जब फल में छेद हो जाए उसके बाद आप दवा छिड़कें, तो इस तरह का करने से इसका प्रभाव नहीं होता है। ये कीड़ा उसी समय फल में अंडे दे देता है जिस समय ये फूल खिलते हैं, तो आपको जो छिड़काव करना है फूल आने के समय पर करना है। तो जैसे ही कली बनती है तो एक छिड़काव उस समय आप कर दीजिए और इसमें सेविन दवा या एमिडा क्लोरपीड का एक छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद फिर 10-12 दिन के अंदर आप दूसरा छिड़काव कर दीजिए, फिर उसके 10-12 दिन के बाद तीसरा छिड़काव कर दीजिए। और ध्यान रखिए कि जिस समय आपने छिड़काव किया है उसके कम से कम 3-4 दिन तक फलों को न तोड़ें। तो इस तरह से आप अपनी फसल को कीटों से बचा सकते हैं। अब बात आती है फसल की सुरक्षा बीमारियों से कैसे। इसमें मुख्य बीमारी है जो नर्सरी में लगती है आर्द्र विघटन। ये पीथियम, फाइटोप्थोरा, राइजोक्टोनिया 3 प्रकार की फंगस पाई जाती है जिसकी वजह से लगता है। तो यदि आपने बीज का उपचार किसी भी कवकनाशी दवा थायराम या कैप्टाम से ठीक से कर रखा है तो ये बीमारी नहीं लगेगी। यदि फिर भी कोई आपको दिखाई देती है तो आप जो है डाइथेनम 45 या रेडोमिल दवा मिलती है, इसका 0.25% का घोल बना करके नर्सरी में ड्रेंचिंग कर सकते हैं। पर्णकुंचन रोग, यह विषाणु रोग है और इसकी सफ़ेद मक्खी इसको फैलाती है। तो जैसा मैंने आपको सब बताया कि सफ़ेद मक्खी को यदि आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपका पर्णकुंचन रोग नहीं लगेगा। इसके लिए मेटासिस्टाक या एमिडा क्लोरपीड 0.1% का घोल बना के उसका छिड़काव करिए। वृक्ष रोग या एंथ्रेक्नोज डिजीज, इसको दूर करने के लिए आप कापर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बनाएं 0.25% का, और उसका इस बार इसका नर्सरी से ही आप छिड़काव करना शुरू कर देंगे तो आप इस रोग से फलों को बचा सकते हैं। क्योंकि ये प्रारंभ में पत्तियों पर लगता है, पत्तियों में धब्बे से लगते हैं और बाद में धीरे धीरे फैलते ही डंठल पर आता हुआ ये फलों पर आ जाता है और उस पर फिर काले काले धब्बे बन जाते हैं जिनमें कि आप ध्यान से देखें तो आपको गोल गोल सर्किल दिखाई देंगे। फल गलन रोग, ये फंगस के द्वारा लगता है, फाइटोप्थोरा के द्वारा। इससे बचाव के लिए जिनेब दवा आती है जिसको डाइथेनम 45 भी कहते हैं, इसका 0.25% का घोल बना करके इसका छिड़काव कर देते हैं और ये 8 से 10 दिन के अंतराल से आप छिड़काव करते रहें तो आप बीमारी से आप फसल को बचा सकते हैं। मिलानी 3 प्रकार की होती है।
एक मिलानी होती है पानी अधिक लगने की वजह से, दूसरी मिलानी होती है फंगस की वजह से, और तीसरी मिलानी होती है बैक्टीरिया की वजह से। तो आप पहले तो ये देख लीजिए कि ये मिलानी किस तरह से है। पौधे मिर्च हो चाहे शिमला मिर्च हो, बहुत ही सेंसिटिव है, 24 घंटे यदि खेत में पानी भरा रह गया तो आपकी पौध सब नष्ट हो जाएगी। तो जहाँ अधिक पानी लगता है वहाँ पर ये अधिक पानी की वजह से मिलानी या विल्टिंग होती है, तो उसके आप, और जो फंगस से मिलानी होती है उसमें पौधा धीरे धीरे सूखता है, एक आध टहनी सूखेगी और उसके बाद में वो धीरे धीरे सूखना शुरू करेगा। और जो बैक्टीरिया की मिलानी होती है उसमें आपका पौधा ऊपर से मुरझाना शुरू करता है और 24 घंटे में पूरा पौधा मुरझा जाता है। तो इससे बचाव के लिए आपको मिलानी के लिए जो आपकी सामान्य परिस्थितियों में पानी भरने से लग रही है तो उसमें खेत में अधिक पानी न भरने दें। बरसात का मौसम है या वर्षा होने वाली है, हो चुकी है, तो आप अच्छा हो कि मेड़ों पर लगाएं। और तीसरा फंगस वाला, इसके लिए आप डाइथेनम 45.25% का घोल बना करके उसका छिड़काव करते हैं तो अपनी फसल को बचा सकते हैं। और जो मिलानी बैक्टीरिया से लगती है उसमें कापर ऑक्सी क्लोराइड के साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा 0.25% का कापर ऑक्सी क्लोराइड का सोलूशन बनाइए और उसमें 20 PPM स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा मिलाइए और उसका छिड़काव कर देते हैं तो आप 10 से 12 दिन के अंतर से तो इससे बचा जा सकता है। मुझे एक रोग इसमें पौधे की पत्तियाँ बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती हैं, जैसा कि मैंने आपने मिर्च को मेरे दिखाया था लेक्चर में, और इससे बचने के लिए सबसे अच्छा हुआ है कि सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड आप मेटासिस्टॉक या एमिडा क्लोरपीड दवा का 0.1% का घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो इससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब कुछ लोग बीज उत्पादन भी कर सकते हैं, बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूर बहुत है क्योंकि ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटिक फसल है, यानी कि पर परागण वाली फसल है, आंशिक रूप से इसमें परागण क्रिया होती है, इसलिए इसकी पृथक्करण दूरी आधार बीज के लिए 400 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 200 मीटर रखी जाती है। और इसके लिए आवश्यक है आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये दूसरी मिर्च अथवा शिमला मिर्च की दूसरी प्रजातियाँ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखें। निष्क्रिय पदार्थ इसमें बीज में 2% से अधिक नहीं होना चाहिए, खरपतवारों के बीज बिल्कुल नहीं होने चाहिए और अन्य फसलों के बीज अधिकतम 0.05% बीज हो सकते हैं। शुद्ध बीज इसका 98% होना चाहिए। अवांछनीय पौधे 0.1% से 0.2% तक खड़ी फसल में हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और संक्रमित बीज 0.1% से 0.2% प्रमाणित बीज में हो सकते हैं। अंकुरण प्रतिशत न्यूनतम 70% आधार बीज में और 60% सर्टिफाइड बीज में या प्रमाणित बीज में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इससे 60% से बीज में न्यूनतम अंकुरण है तो ऐसे बीज को रिजेक्ट कर देना चाहिए और उसको नहीं उगाना चाहिए। नमी प्रतिशत बीज में 8% आधारित बीज में और 8% प्रमाणित बीज में होनी चाहिए। ये आपको दिखाया गया शिमला मिर्च का पौधा, आप सब लोग जानते हैं ये खुले में खेल लगा हुआ है और उसमें पॉलीथीन की मल्च डाल रखी है और इसमें आप खेती कर सकते हैं। तो आशा है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपका कोई सुझाव हो अथवा प्रश्न हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मेल कर सकते हैं। भविष्य में एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका दूसरा पार्ट जो पॉलीथीन में खेती की जाती है शिमला मिर्च की, उसको मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा। धन्यवाद।